संस्कारों वाली पार्टी और उससे जुड़े लोगों के महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल होने के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राय का पहाड़ बनाने वाली और छोटे छोटे मुद्दों पर घंटों जमावड़ा लगाकर चिल्लाने वाली भारतीय मीडिया का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के चंपावत में बीजेपी नेता के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म की FIR लिखवाई गई और पार्टी से ही जुड़े 3 लोगों को IIT BHU में यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन गोदे मीडिया पर खबर बस खाना पूर्ति के लिए ही दिखी है। महिला हितैषी होने का दावा करने वाले और महिलाओं के मुद्दों पर जोर जोर से चिल्लाने वाले न्यूज चैनल इस मुद्दे पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के निष्कासित नेता कमल रावत को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम को रावत की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले बीजेपी ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया था। 29 दिसंबर को रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो और संबंधित IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी से निष्कासित हो चुका कमल सिंह रावत कुछ दिन पहले तक बीजेपी का तल्लादेश मंडल का अध्यक्ष था, लेकिन गिरफ्तारी पर निष्कासित करना और फिर छूट जाने पर वेलकम करना बीजेपी की पुरानी रणनीति है। रेप के दोषियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत करना और सम्मानित करना बीजेपी की ही सरकारों में होता रहा है। वहीं BHU की बात करें तो गिरफ्तार 3 आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान बीजेपी से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन तीनों ने गिरफ्तारी के बाद परिसर में छेड़छाड़ की 3 अन्य घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ के दौरान इन्होंने खुलासा किया कि वो रोज रात 11 से 1 बजे के बीच विश्वविद्यालय परिसर में जाते थे और मौके की तलाश में रहते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के पड़ोसियों ने स्थानीय लोगों को धमकाने में इनके शामिल होने का भी आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी के साथ इनके कनेक्शन के चलते ये लोग अभी तक बचे हुए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली बीजेपी महिलाओं के प्रति कितनी गंभीर है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया हर बार बीजेपी नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों की इन हरकतों को इग्नोर क्यों करती है ये समझ पाना मुश्किल है। एक ही मुद्दे पर रत्तू टोटे की तरह दिन भर चौपाल लगाने वाले न्यूज चैनल एक पार्टी का नाम आते ही आखिर क्यों चुप्पी साध जाते हैं ये समझना काफी मुश्किल हो चला है।